इंदौर में भले ही लॉकडाउन को लेकर पुलिस और प्रशासन सख्ती बरत रहा हो, लेकिन बदमाशों को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, शहर में कोरोना तेजी से पैर फैला रहा है। लॉकडाउन लगा है वो तो अपने नापाक मासूमों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। इंदौर में एक ऐसी ही वारदात सामने आई है जिसमें लॉकडाउन के दौरान एक पेट्रोल पंप पर दो लिटेरों ने धावा बोला और बहाना बनाते हुए गार्ड व सेल्समैन को पिस्टल की नोक पर पहले तो मारपीट कर डराया धमकाया और फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन उन्हें केवल गले में से 2100 रुपए ही मिले, जिससे वो आक्रोशित हो गए। उन्होंने तोड़फोड़ जाना शुरू कर दिया। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र के साजन नगर में स्थित SR पेट्रोल पंप की है, जहां दो बदमाश शनिवार रात को स्कूटर पर सवार होकर पहुंचे और वहां उन्होंने पेट्रोल भरवाने के लिए पहले तो बीमार पत्नी को अस्पताल ले जाने का बहाना किया और फिर मौका मिलते ही बदमाश पेट्रोल पंप के केबिन में घुस गए और केबिन में घुसने के साथ ही बदमाशों ने पिस्टल तान दी और गार्ड व सेल्समैन के साथ जमकर मारपीट की और उनके मोबाइल फ़ोन को तोड़ने के साथ ही कंप्यूटर भी तोड़ डाला। वहीं गार्ड को, कर्मचारी को जलाने की भी कोशिश की। इसके बाद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और 2100 रुपए की रकम लेकर मौके से रफू चक्कर हो गए, लेकिन जल्दबाजी में दोनों बदमाश मौके पर ही अपना वाहन छोड़ गए और घटना के बाद पेट्रोल पंप के सेल्समैन ललित मीणा ने लूट की शिकायत संयोगितागंज थाना पुलिस में दर्ज करवाई है। वहीं पर मौके पर खड़े स्कूटर के नंबर MP09UG8701 के आधार पर पुलिस ने बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। ये वाहन इंदौर के मोती तबेला क्षेत्र के रहने वाले किसी शख्स का बताया जा रहा है। रात 3 बजे की है, दो बंदे पैदल 3 इमली चौराहे की तरफ से पंप पे आए। पहले उन लोगों ने बोतल में पेट्रोल मांगने की कोशिश करी, हम लोगों ने साफ मना कर दिया हमारे आदमियों ने कि बोतल में पेट्रोल नहीं दिया जाता है। उन्होंने बॉम्बे हॉस्पिटल का कोई कार्ड बताया कि हम यहाँ पे काम करते हो और वहाँ पर भर्ती है, उसके बाद भी हमने देने से मना कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने बंदूक निकाली और पंप को लूटने की कोशिश करी, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी दिखाई दिए पंप पे। बंदूक निकाली, आदमी को दिखाया, डराया, धमकाया और फिर पेट्रोल लिया उन लोगों ने डब्बे के अंदर और फिर पेट्रोल पंप पे छिड़का, ताकि उनको डराया, धमकाया और किसी भी तरीके से पैसे हेटने की कोशिश करें वो। उसके बाद वो लोग ऑफिस के अंदर आए, जब उनको पैसे नहीं मिले ऑफिस में से भी, तब उन लोगों ने दो सिस्टम थे, दोनों सिस्टम तोड़ दिए, लड़कों को खूब मारा पीटा और कपड़े भी फाड़े और फिर वो यहाँ से चले गए। बंधक भी बनाए थे उनको? नहीं, बंधक नहीं बने थे, बट खूब मारा पीटा खूब, ताकि डर के किसी भी तरीके से जो है पैसे निकाल सके, और पेट्रोल छिड़का ताकि जलाने की डर से या मरने के डर से जो है वो पैसे। क्या आरोपी थे, क्या नकाब में थे? 2 आरोपी थे, दोनों ने मास्क पहन रखे थे और एक ने एक पूरा मतलब फेस कवर कर रखा था। एक गार्ड को जलाने की कोशिश भी करी? गार्ड को और एक जो कर्मचारी है, दोनों 2 आदमी रहते हैं, तो उन दोनों को जलाने की कोशिश करी। लगभग कितना अमाउंट वगैरह लेते थे? पैसे उनको कुछ खास मिले नहीं, सिर्फ 2100 रुपये मिले, तो उसमें जो है उनको आक्रोश आ गया काफ़ी और उन्होंने तोड़ा फोड़ी करने की कोशिश करी और पंप जलाने की कोशिश करी। घटना सीसीटीवी में? जी हाँ, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है और ये पूरी पुलिस के पास जा चुकी है और पुलिस उसी समय आ गई थी जैसे ही फ़ोन किया, और पुलिस की सहायता से जो है दोनों आरोपी अभी पकड़े गए हैं, हिरासत में हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुयश मित्तल है। वही पेट्रोल पंप संचालक सुयश गुप्ता ने बताया है कि 3 इमली चौराहे की ओर से दो बदमाश पैदल आए थे और वो खाली बोतल में पेट्रोल भरवाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद मौके पर मौजूद गार्ड और सेल्समैन ने उन्हें मना कर दिया, लेकिन वो नहीं माने और जिद करने लगे। इसके बाद उन्होंने मारपीट शुरू कर दी और पेट्रोल छिड़क कर पिस्टल दिखाकर आग लगाने की धमकी दी, लेकिन कैश नहीं मिलने के बाद वो भाग खड़े हुए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और फिर पुलिस ने दोनों बदमाशों के बाद में पकड़कर हिरासत में ले लिया है। इसमें पूरा मामला ये है कि दो लड़के आए पेट्रोल पंप में, उन्होंने पेट्रोल लेने के बहाने पेट्रोल मांगा उन्होंने करीब 50 रुपए का, तो उसने कहा कि चेंज नहीं है मेरे पास में जो पेट्रोल भरने वाला है। इसके बाद उसने कहा कि ठीक है 70 रुपए का ले लो, 30 रुपए मिल जाएंगे, 100 हो तुम्हारे पास, तो ऐसा करके वो स्कूटी में गए। इसके बाद जो लाइटर रहता है नकली वाला, मतलब जो पिस्टल टाइप का दिखता है, फैंसी लाइटर,
उसको लेकर के चले गए कि तुम जो है गले से पैसे दो, और उससे 2100 रुपीज़ उससे जो है छीन लिए और उसके बाद भाग गए। फिर पुलिस ने उसको कोशिश करी हिकमत अबली से, उसका वीडियो फुटेज देखा और उसकी जो स्कूटी छोड़ के गए थे उसके नंबर से ट्रेस किया, दोनों आरोपी पकड़ गए। सर क्या हथियार भी थे उनके पास? नहीं नहीं, कोई हथियार नहीं थे, वो नकली पिस्टल थी। वो नकली पिस्टल को उन्होंने दिखा करके, असली में पिस्टल भी नहीं थी, वो लाइटर था, उससे उन्होंने किया है। सर कोई गार्ड को भी जलाने की कोशिश कर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर सीसीटीवी में एक पेट्रोल डालते हुए आ रहा है, हमने बताया ना कि पेट्रोल लेने के लिए ही वो आए थे, शुरू में पेट्रोल लेने के बहाने ही आए थे। इसके बाद नहीं, इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। नाबालिग तो? नहीं, नाबालिग उसमें एक का थोड़ा सा भी डाउट है, बाकी एक बालिग है। फिलहाल पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्त में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी है। वही पेट्रोल पंप पर लूट के लाइव सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।